Good morning, students. Today I am starting with new chapter, that is Heron's formula. This is chapter 12 of the NCERT textbook. We already know that area of a triangle is half base into height. Short mein hum 1 by 2 b into h karke likh lete hain. अब अगर हमें एक स्केलिन ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, तो इसकी साइड्स देखिए कन्वेंशनली क्या होता है कि अगर हम नाम देते हैं ना कैपिटल लेटर से ए बी सी, तो कैपिटल ए के ऑपोजिट वाली साइड की लेंथ को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी के ऑपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और कैपिटल सी के ऑपोजिट वाली साइड को हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो इस हिसाब से BC is equal to A units, AC is equal to B units and AB is equal to C units. तो सेमी पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, पेरीमीटर इज A प्लस B प्लस C. सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर को साइड्स को ऐड किया अपॉन टू, यानी कि पेरीमीटर अपॉन टू, तो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर S इज गिवन बाय A प्लस B प्लस C बाय टू. अब हीरोन से एक मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने ट्राइंगल के एरिया के लिए एक फॉर्मूला दिया. जब हमें ट्राइंगल का हाइट ना पता हो, सिर्फ साइड्स पता हो, इसे हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, एंड दिस इज गिवन एज अंडर द रूट s into s minus a into s minus b into s minus c स्क्वायर यूनिट्स, जो भी साइड्स के यूनिट्स होंगे उस हिसाब से. एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर 10 मीटर 15 मीटर एंड 19 मीटर. हमें एरिया निकालना है, सबसे पहले हम s सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, साइड्स को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, तो 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 44 बाय 2 दैट इज 22 मीटर्स. अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला बार बार लिखिए ताकि ये आपको याद हो जाए. S की जगह पे आ गया 22, S माइनस A मतलब पहली साइड ले ली 22 माइनस 10, S माइनस B 22 माइनस 15 और S माइनस C तीसरी साइड C है तो 22 माइनस 19. और क्योंकि ये सब मीटर्स में दिया है तो एरिया हो गया मीटर स्क्वायर. एरिया के यूनिट्स वैसे भी स्क्वायर यूनिट्स ही होते हैं. अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इस तरीके से 22 into 12 into 7 into 3 and this comes out to be 6 under the root 154 meter square. जो factors को root से बाहर आ सकते हैं उन्हें निकाल लीजिएगा, और बाकी जो नहीं आ सकते root से बाहर उसे वैसे ही लिख दीजिएगा. अब एक question लेते हैं, आपकी textbook का solved example 3 है. इस तरह के question बड़ा important होता है. The sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and perimeter is 300 meter. तो अब क्योंकि ये ratio sides का दिया है, तो let the sides be 3x, 5x and 7x. क्योंकि ये ratio दिया था. तो अब हम जानते हैं perimeter is equal to 300 meter ही question में दिया है, यानी कि 3x plus 5x plus 7x 300 add करके देखिए ये हुआ 15x is equal to 300. तो x कितना आया हमारे पास 300 upon 15, यानी कि 20. जब ये 20 आ गया तो sides क्या होंगे, therefore sides are 3x means 3 into 20, 60 meters में है, क्योंकि यहाँ पे ये meters में था, यहाँ लिख लेते हैं meters, 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 60 meter. दूसरी थी 5x, तो 5 into 20, that is 100 meter. और तीसरी है 7, 7 into 20, यानी कि 140 meters. ये साइड्स हमने सही निकाली है, ये हम चेक भी कर सकते हैं, इन सबको ऐड करके देखिए 300 मीटर होना चाहिए,
340 + 60 = 200 + 100 = 300 मीटर। अब हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, 60 + 100 + 140 / 2 सब कुछ मीटर्स में है, यानी कि 300 / 2 यानी कि हुआ 150 मीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज बाय हिरोन्स फॉर्मूला, बार बार ये हिरोन्स फॉर्मूला लिखें तो उससे आपको फायदा होगा कि ये फॉर्मूला सही सही से याद हो जाएगा। अब एस की जगह पे तो आ गया हमारे पास 150, पहला हुआ 150 - 60, फिर 150 - 100, फिर आया 150 - 140, और सब कुछ मीटर्स में है तो मीटर स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 150 × 150 में से 60 गया तो कितना हुआ 90, ये हो गया 50 और ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये जो आंसर है ये आपके पास आ जाएगा। देखिए इसमें ना हम पूरा मल्टीप्लाई करें और फिर रूट निकालें, उससे अच्छा हम आसान काम कर लेते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 10, 3 × 9 हो गया 3 × 10, ये हो गया 5 × 10, और इसको सिर्फ 10 लेने दीजिए। इस तरह से फैक्टराइज कर लिया करें, वो हमारे लिए आसान पड़ेगा। अब देखिए कितने 10 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो 2 10 तो बाहर आ गए रूट से। अब 3 कितना है, 1, 2 और 3, तो हम तो सिर्फ 2 को ही ले सकते हैं, इन दोनों में से 1 को ले लिए बाहर, तो 1 तो 3 आपके रूट के अंदर रह गया। अब 5 देखिए, 1 और 2, तो 1 5 तो बाहर आ गया, और तो कुछ है नहीं, मीटर स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ गया 1500 √3 m². आई होप ये फॉर्मूला आपको याद जल्दी हो जाएगा, बार बार लिखिएगा एंड क्वेश्चंस आपको ये समझ में आएंगे। फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, और एग्जांपल 1, 2, 3 NCERT टेक्स्ट बुक के आप अपने आप से करने की कोशिश करेंगे।